नंद हास विराजिता धरु पल्लवाम इंदु बिंब निभाने नामर बिंदु चारु विलोचनाम चंदनागरु पंकरु सित तुंग पीन पयोधराम चंद्रशेखर वल्लभाम प्रणमामि सेल सुतामि माम। माँ जगदम्बा के चरणारविंद में शरणागत होते हुए भगवती माँ दुर्गा के नव स्वरूपों में जो अंतिम और नवे दिवस की पूज्या देवी के रूप में आराध्य स्वरूप है, वह स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि सब प्रकार की अष्ट अणमादिक सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी का नाम सिद्धिदात्री है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व, ये आठ प्रकार की भगवती की सिद्धियाँ कही गई है या होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से ही इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्र में नवे दिन इन्हीं देवी की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा आस्था के साथ भगवती की आराधना साधना करने वाले साधक को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिर भी अत्यधिक सिद्धियां व शक्ति अर्जित करने वाले जो भी साधक हैं, जो लालसा रखते हैं, उन साधकों के लिए माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का जाप करना यथेष्ट फलदायक कहा गया है। ओम त्रष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणात्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। अर्थात सृष्टि अर्थात अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ शक्ति, स्थिति अर्थात उसको संभाल कर यथोचित चलाने वाली स्थित रखने वाली देवी, और विनाशनी पालनकर्ता उत्पन्नकर्ता और लयकर्ता तीनों स्वरूप की अधिष्ठात्री देवी एवं विनाशक जो उसका लय करने वाली है, समस्त शक्तियों की भूत सनातनी जो आदिकाल से चली आ रही है, उस गुणाशील गुणात्रयी गुणमयी नारायणी देवी को हम सत सत नमन करते हैं, उनके चरणों का पूजन करते हैं, स्तुवन करते हैं और उसमें हमारा अनुराग सदैव बना रहे, इस प्रकार की कामना करते हुए माँ के नवे स्वरूप जिसे हम सिद्धिदात्री रूप में जानते हैं हम शरणागत होते हैं। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा, जय माँ जगदम्बा। अधिक जानकारी इस विषय पर चाहिए तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष से समाधान।